क्वेश्चन नंबर 63 हम कर चुके थे, इजंट इट? चलिए 64, हाई लक, चेक करिए सबने एंट्रीज कर ली होंगी इसकी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल 4 लाख, देन अलॉटमेंट में 5 लाख आएगा, कैपिटल में 3 लाख और प्रीमियम में 2 लाख, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल में 2 लाख, फिर अगली एंट्री में अरियर आ जाएगा बच्चों 4000 रुपए का, और बैंक में आ जाएगा 196, शेयर फर्स्ट कॉल में 2 लाख, करेक्ट? फिर शेयर सो कॉल्ड सेकेंड कॉल हमने मांगी कि नहीं मांगी? नहीं मांगी। अब यहाँ पे शेयर फोरफीट हो गए, तो अब ये बात डिसाइड करने वाली है कि भाई शेयर पे हमको प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। ही हैज पेड अलॉटमेंट मनी चलन, तो डेफिनेटली इसने प्रीमियम भी दे दिया होगा। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीटेड। सो 40 रुपए का एप्लीकेशन, 50 का अलॉटमेंट और 20 की कॉल, टोटल मेक्सअप चलन 110 और 20 प्रीमियम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 90 × 100 इज व्हाट? 9000। और कौन सा स्टेज इसने नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल 20 रुपए की, तो 200 शेयर, सॉरी मेरे को लगा कि 100 शेयर है, 18000। और इसने 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी 200 शेयर पे, तो अरियर हुआ 4000 का। अब 40 का एप्लीकेशन और 50 का अलॉटमेंट 90 रुपए पे किया इसने, 90 रुपए में सीज तो पूरा करेंगे बट लिखेंगे कैपिटल में 70, तो हम कैपिटल वाला जो अमाउंट सीज करते हैं उसी को शेयर फोरफीटेड में लिखते हैं, 200 शेयर पे 14000 रुपए, करेक्ट? 65th सेम क्वेश्चन है पूरा, यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दी है, तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल इज 4 लाख, देन अलॉटमेंट में 5 लाख, कैपिटल में 3 लाख और प्रीमियम में 2 लाख, फिर बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट इट्स 490 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अरियर में 10000 आ जाएगा और शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2 लाख, बैंक में वही 196 और 4000 रुपए अरियर में, फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख, बैंक में 98000 और अरियर में 2000। अब बताइए प्रीमियम रिसीव्ड का कैसे कि नॉट रिसीव्ड का? नॉट रिसीव्ड का, तो आप तो पूरी 2 लाख की प्रीमियम इनकम क्रेडिट करके बैठे हैं तीसरी एंट्री में, बट इस सुखदेव ने तो आपको पैसे नहीं दिया अलॉटमेंट के, तो क्या इसने अपने हिस्से का 4000 प्रीमियम दिया होगा? नो, तो आपकी बुक्स में ज्यादा इनकम है चिल्ड्रन, तो ज्यादा इनकम को सही कैसे करेंगे? डेबिट करके। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट? देयर आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, लेट मी पुट इट, टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीटेड, पूरा 100 रुपए कॉल्ड अप है तो 20000 बचो, और प्रीमियम रुपए 20 का है 200 शेयर पे तो 4000, अरियर पे 50 रुपए का अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल और 10 की फाइनल कॉल, 50 × 30 = 80 × 200 = 16000, और 40 रुपए के रेट से 200 शेयर पे 8000 रुपए व्हाट? फोरफीटेड। समझ में आ गया? तो आपने अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जिसमें आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रीमियम कभी भी कैपिटल में और फोरफीटेड में नहीं जाता, बहुत ज्यादा आएगा अनपेड के केस में तो डेबिट में फॉलोड बाय अरियर्स में। ओके, चलिए पुअर लक लिमिटेड, यहाँ पे सो कॉल्ड सेकेंड कॉल नहीं मांगी गई बच्चों, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल 4 लाख, अलॉटमेंट में 5 लाख आएगा, कैपिटल में 3 लाख और प्रीमियम में 2 लाख, सही है? फिर उसके बाद बैंक में आ जाएगा वही 490, अरियर में 10000, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल में 2 लाख, बैंक में आएगा 196, अरियर में 4000। अब यहां पे भी प्रीमियम नॉट पेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीटेड, कैपिटल में आएगा बच्चों वैल्यू कितना ध्यान से सुनिएगा, 40, 50, 20 सब जोड़ दीजिए 110 माइनस 20 रुपए, कितने रुपए कॉल्ड अप में आएगा? 90, 18000 रुपए। उसके बाद प्रीमियम 20 रुपए के रेट से 200 शेयर पे 4000, अरियर में आएगा बच्चों 50 × 20 = 70 × 200 = 14000, और आ जाएगा 40 × 200 = 8000, करेक्ट? पक्का? चलिए
67th we have done the class itself. पक्का एक बार इसको चेक कर लेते हैं. 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मिल चुका है, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना हुआ? 6 रुपए. तो शेयर फोरफीटेड में 6 रुपए के हिसाब से, अरियर में 4 रुपए के हिसाब से, 6,000 और 4,000, और कैपिटल में लिख देंगे 10,000. करेक्ट. 68 बचो. 1,000 शेयर, 10 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन चार मिल चुका है, और 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम नॉट रिसीव का केस. शेयर कैपिटल में आएगा 1,000 × 10, 10,000 बचो. प्रीमियम 2 रुपए का है तो 2,000, 4 रुपए मिल गया तो फोरफीटेड में 4 और यहां पे 8, सही है. 69th, 1,000 शेयर्स हैं, 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 नॉट पेड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, तो यहां पे प्रीमियम नॉट पेड का केस लग गया अगेन. इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 कॉलन अरियर 2 शेयर फोरफीटेड. 1,000 × 10 बच्चों, यहाँ 10,000 आएगा. फाइनल कॉल के बाद शेयर फोरफीट हो गया तो फुली कॉल्ड अप ही है. प्रीमियम 1 रुपए का बच्चों, 1,000 शेयर्स पे, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए. करेक्ट. yes, समझ में आ गई बात. उसके बाद 4 रुपए और 3, 7 रुपए नहीं दिया तो 7,000. yes, समझ में आ गया. फोरफीटेड में वैल्यू कैसे आएगी ध्यान से सुनिएगा. 10 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम, तो शेयर कितने का हो गया? 11 रुपए का. 11 रुपए में 4 रुपए का अलॉटमेंट और 3 रुपए की कॉल माइनस कर दीजिए, कितना बचता है बच्चों? 4 रुपए. समझ में आ गया. तो 4 रुपए इसका मतलब इन्होंने एप्लीकेशन पे कर दिया. अगर आप 11 रुपए में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का 4 और कॉल का 3 माइनस होगा, बट अगर आप 10 रुपए में कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों, इन दैट केस, आई रिपीट, इन दैट केस आप अलॉटमेंट का 3 और कॉल का 3 रुपए ही माइनस करेंगे, तो भी आएगा कितना? 4 ही आएगा. 1,000 शेयर्स पे कितना हो गया? 4,000 रुपीज. समझ गए सब लोग? चलिए बच्चों, डन. डिफिकल्ट है. 70th, एक्स के पास 2,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दे पाया. ध्यान दीजिए बच्चों, 2 रुपए की फाइनल कॉल. शेयर 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 12 रुपए है, तो कितना अमाउंट प्रीमियम का हुआ? 2 रुपी. ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. ये बताना है कि ये अलॉटमेंट दे चुका है कि नहीं दे चुका. 70th क्वेश्चन में ही हैज पेड अलॉटमेंट और नॉट, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि फेल टू पे फाइनल कॉल. अच्छा ये बताइए, प्रीमियम दे चुका है कि नहीं? Yes, दे चुका है, क्योंकि अंडर डिफॉल्ट सिचुएशन प्रीमियम कहां पे मांगते हैं? अलॉटमेंट पे. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉलिनरिया 2 शेयर फोरफीटेड. फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब मांगा तो पूरा ही होगा. yes, sir. तो 2,000 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से कितना हो गया बच्चों? 20,000. yes, कितने की फाइनल कॉल है? 2 रुपए की. 4,000 का अरियर. yes, और यहां पे आएगा 16,000. कैसे सर 16,000? 12 रुपए में 2 तो प्रीमियम हो गया. व्हाट इज फेस वैल्यू चिल्ड्रन? 10 में 2 रुपए तो दिया ही नहीं, तो कितना दे दिया? 8 rupees × 2,000 शेयर्स कितना होगा? 16. सिंपल एज दैट. चार्टिंग जरूर करिएगा, जो 10 रुपए में डाइवर्सिफिकेशन करता हूं क्या कहां पे कितना, ही आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है, भेलपूरी खाएंगे. सर ये क्या था? फोन नंबर लग रहा है किसी, कोड वर्ड लग रहा है. ये सेंस कर पाए कुछ बच्चे? क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल. रमेश के पास 40 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी. मोहन के पास 60 थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल तो मांगी ही नहीं. तो बच्चों पहले तो मेरे को आप ये बताइए, 4 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम होगा और 3 रुपए कैपिटल. कॉल्ड अप वैल्यू ये होगी बच्चों, 2 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट, 3 की कॉल, कितना होता है? 9. 1 रुपए प्रीमियम का माइनस कर दीजिए, व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? 8. किसी बच्चे ने 2 एंट्रीज पास की है, इसकी एंट्री 1 होगी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉलिन अरियर. अब बच्चे कहेंगे सर प्रीमियम क्यों आ गया यहाँ पे? रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, और प्रीमियम कहां पे होता है बच्चों? अलॉटमेंट पे. तो 60 + 40 × 8 रुपए,
60 शेयर एक के, 40 एक के 100 शेयर, 8 रुपए कॉल्ड अप कितना आएगा 800। प्रीमियम 1 रुपए का सिर्फ रमेश का, क्योंकि दूसरे वाले ने तो प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक सर, अरियर में कितना आएगा? रमेश ने 40 शेयर्स पे सिर्फ 2 रुपए का एप्लीकेशन दिया, और मोहन ने 60 शेयर्स पे बच्चों 1 रुपए का एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट 3 रुपए का, लेट मी रीचेक अरियर है, गलती से मेरे दिमाग में चला गया सो कॉल्ड फोरफीटेड। चलिए रीचेक करिए इसको। अरियर, रमेश ने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया बच्चों? इट्स 4 रुपए का अलॉटमेंट और 3 रुपए की कॉल, 7 रुपए, और मोहन ने सिर्फ कॉल नहीं दी 3 रुपए की। 14 × 7 इज व्हाट चलन? 280 एंड 16 × 3 इज 180। 280 प्लस 180 कितना होता है? 460। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे बेवकूफ की तरह, वो 840 में से 460 माइनस करेंगे और यहां पे 380 लिख डालेंगे। प्लीज ये बेवकूफी मत करिएगा। कैसे आया शेयर फोरफीटेड मैं बताता हूं। रमेश के पास कितने शेयर थे बच्चों? 40, और मोहन के पास कितने थे? 60। 40 शेयर पे इसने एप्लीकेशन का 2 रुपए दिया, बस कितना हो गया बच्चों? 80। 60 शेयर पे एप्लीकेशन का 2 रुपए, अलॉटमेंट का 3 मानेंगे, क्योंकि प्रीमियम फोरफीटेड के अंदर नहीं लिखा जाता। 2 + 3 = 5, 5 × 60 आ गया 380। समझ में आ गया? अगर गड़बड़ है तो प्लीज सही कर लीजिए। नेक्स्ट 72, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड बोथ द कॉल्स। तो अब यहां पे मानेंगे कि अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो गया, यहां फर्स्ट कॉल के बाद और यहां पे फाइनल कॉल के बाद। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। तो 5 और 2 कितना होते बच्चों? 7। 7 और 3 = 10 और 2 = 12। 2 रुपए प्रीमियम, तो 5 और 2 = 7, 7 में 2 माइनस किया बचा 5, 5 × 40 200 रुपए कॉल्ड अप चल रहा। प्रीमियम में 80 रुपए, अरियर में आएगा 200 रुपए और अलॉटमेंट में 80, 5 रुपए × 40 शेयर्स, करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। अब यहां पे जरा पहले कॉल्ड अप वैल्यू आपको बता दें, फर्स्ट कॉल तक 2 रुपए और 5 रुपए 7 रुपए होता है, 7 और 3 = 10, 10 में 2 प्रीमियम गया बचा 8, 320 रुपए बचो। प्रीमियम आएगा अगेन 40 रुपए, कॉल इन अरियर में कितना आएगा? 5 और 3 = 8, 8 × 40 320, फोरफीटेड में 2 रुपए के रेट से 40 शेयर्स पे 80। एक मिनट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अरियर में आएगा 5 और 3 = 8, 8 rupees × 40, 8 × 4 = 2 रुपए। अब सही हो गया, अब सही है, करेक्ट। बोथ द कॉल्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर, पूरा कॉल्ड अप है चिल्ड्रन, तो 400 रुपए फोरफीटेड में 2 रुपए एप्लीकेशन और 5 अलॉटमेंट, 7 हुआ, 7 में 2 रुपए का प्रीमियम हटा दीजिए बचा 5 रुपए, 5 × 40 200 यहां पे आएगा, और अरियर में 3 रुपए की फर्स्ट कॉल और 2 की फाइनल कॉल, 5 रुपए × 40 200 शेयर आ गया। चिल्ड्रन सबको समझ में आ गया? पक्का कंफर्म? चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट कॉल पे भी और फाइनल कॉल पे भी है। एक्स को 40 शेयर्स दिए गए, पहले ये भाई साहब अलॉटमेंट नहीं दे पाए, फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। एंट्री में सब जगह प्रीमियम मैंने कैसे लिख दिया? हर स्टेज में तो है, और कोई ना कोई अनपेड तो है ही है, ठीक है। अब पहली बार सिर्फ अलॉटमेंट तक ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 रुपए और ये 3 रुपए कितना हो गया?
पांच इंटू 40, यहां पे कैपिटल बनी 200 की। ठीक, फिर प्रीमियम बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, हम एंट्री में प्रीमियम पेड लिखते हैं या अनपेड लिखते हैं? पेड लिखते हैं। वाह ग्रेट एक्सीलेंट, ये है बेवकूफ गवार गधे उल्लू पंडित टाइप्स। प्रीमियम पेड लिखते हैं अनपेड लिखते हैं? अनपेड, असल में घर जाके कॉपी तो खुलती नहीं कभी, प्रीमियम पे करते हैं तभी तो यहां पे एंट्री करते हैं। वाह 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 एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर, इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। प्रीमियम अनपेड होता है, इनकम को करेक्ट करना है इसलिए तो सही करना है ना। चलिए कोई बात नहीं, खैर कंपार्टमेंट एग्जाम इसीलिए ऐसी लोगों के लिए बनाए गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इनके पिताजी प्रीमियम पे करेंगे फीस के नाम पे और ये एग्जाम देंगे, चाहिए शेयर के लिए अप्लाई करेंगे और वो पेमेंट करेंगे। खोपड़े में बात गई, तो प्रीमियम अनपेड लिखा जाता है। कौन सा वाला प्रीमियम यहाँ पे अनपेड होगा? अलॉटमेंट वाला, 40 शेयर्स पे 40 रुपए, फोर फीट करेंगे 2 रुपए के हिसाब से 40 शेयर्स पे 80, और 4 रुपए के हिसाब से 40 शेयर्स पे आ जाएगा 160। समझ गए कहानी मेरी जुबानी? नेक्स्ट, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 3 की फर्स्ट कॉल, 3 3 6 2 8, 8 रुपए इंटू 40 शेयर्स इज 320। अब यहां पे तो दो दो प्रीमियम होंगे, 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे और 1 रुपए का प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे जो अनपेड होगा, 2 रुपए इंटू 40 कितना आएगा? 80। फोर फीट कौन सा पैसा करेंगे? सिर्फ 2 रुपए का एप्लीकेशन, 40 शेयर्स पे 80, अरियर में आएगा बच्चों 4 रुपए और 4, 8 रुपए, 8 इंटू 40 इज 320। अंडरस्टूड वेल? नेक्स्ट, पूरा कॉल्ड अप है, 400 यहां पे आएगा, 400 आएगा चलन, और प्रीमियम है 1-1 रुपए का, 2 स्टेज पे 80, फोर फीट करेंगे 2 का एप्लीकेशन और 3 का अलॉटमेंट, 5 रुपए इंटू 40 200, और फोर फीचर में आएगा ये 4 और ये 3, 7 इंटू 40 280। समझ में आ गया? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी कंडीशन बची होगी जिसको आप सोच रहे होंगे कि कवर ना हो पाई हो, सारे के सारे आ गए, सब में प्रीमियम, ये कॉल्ड अप, वो कॉल्ड अप, सिर्फ पढ़ाई ही थोड़ी कमजोर है। चलिए अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है जिसमें गलती आप ना कर बैठे इसलिए मैंने इसको लिखा है। हमने ये पढ़ा है कि कॉल्ड अप वैल्यू इज अमाउंट डिमांडेड माइनस प्रीमियम, अमाउंट डिमांडेड माइनस, बट रटना नहीं है इसको, रटना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया था, जितने से कैपिटल बनी है उतने से क्लोज होगी, बट हर बार आप डेरिवेशन नहीं करेंगे तो फॉर्मूला बन गया, जितना मांगा उतने से कैपिटल बनी, बट क्वेश्चन में जो वैल्यू छपी होती है वो प्रीमियम इंक्लूडेड छपी होती है, इसलिए सही कॉल्ड अप जानने के लिए आपको प्रीमियम को माइनस करना है, क्योंकि वहां पे कैपिटल प्रीमियम के पैसे से नहीं बनी। आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, लास्ट जो लिखा था, आप अगर ध्यान दे रहे हो अलॉटमेंट या कॉल्स पे चल रहे, अलॉटमेंट पे टोटल 4 रुपए है करेक्ट, फर्स्ट कॉल पे टोटल 4 रुपए और सेकंड कॉल पे 3, बट कैपिटल कितने से बनी? 2 रुपए, 3 रुपए और 3। तो क्वेश्चन में वैल्यू इंक्लूडेड प्रीमियम लिखी होती है, बट कैपिटल हम कम से बनाते हैं इसलिए हमको माइनस करना पड़ता है, बट एक कंडीशन ऐसी भी है जहां पे आपको प्रीमियम को माइनस नहीं करना। 40 रुपए का एप्लीकेशन है, 50 का अलॉटमेंट, 30 की फर्स्ट कॉल और यहां पे प्रीमियम है, मतलब कैपिटल का 10 रुपए हो गया बच्चों और प्रीमियम का 20 रुपए। जब आप कैपिटल एप्लीकेशन पे बनाएंगे तो कितने से बनेगी? 40। अलॉटमेंट पे कितने से बनेगी? 50। और कॉल पे कितने से बनेगी? 10। जोड़ डालिए सबको, 100 होता है। बट अगर आप क्वेश्चन में ये बात नहीं जानते और तोते की तरह फॉर्मूला रटते हैं, 40 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट और 30 कॉल, टोटल कितना हुआ? 120 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 100। बट ये फॉर्मूला हर जगह नहीं चलेगा बच्चों, कहीं कहीं आपको त्याग की भावना लेनी पड़ेगी। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि सोफदेक के पास 200 शेयर्स थे एंड ही फेल्ड टू पे व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। तो आपने कैपिटल बनाया एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपए से और अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल कितने से बना बच्चों? 50। टोटल कैपिटल कितने से बनी? क्या इस 40 और 50 में प्रीमियम जुड़ा है? भैया जब जुड़ा नहीं है तो माइनस क्यों करेंगे? आई रिपीट, हम माइनस क्यों करेंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे यहां पे। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का कंफर्म? तो यहां पे जब आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे, कब करेंगे? अलॉटमेंट के तुरंत बाद। तो प्रीमियम रिसीव्ड का केस है कि नॉट रिसीव्ड का केस है? रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड,
नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड, ऐसा क्वेश्चन इंडिया के किसी बोर्ड में आज तक नहीं पूछा गया। आ जाएगा तो गारंटी है बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि तो तोते की तरह रट के जाते हैं, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, यहां तो दोनों ही नहीं था, तो नॉट कॉल्ड भी एक तरह से नॉट रिसीव्ड ही है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड टू कॉलन आर्यन। तो बच्चों 90 रुपी इंटू 200, 18,000 यहां पे आ जाएगा। शेयर फोरफीटेड में 40 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पे 8,000, और 50 रुपए के रेट से अनपेड अलॉटमेंट 10,000। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, भयंकर था। चलिए समझ में आ गया सबको, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आप कर लीजिएगा इसको भी। 40th तो आंसर आ गया होगा बच्चों, आई रिपीट, 40th आंसर आ गया होगा, ऑल गिवन। 41st चेक कर लीजिए झटपट, 41st एनालिसिस टेबल अगर आपने बनाया हो तो 8,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था बच्चों, 8,000 शेयर्स में कितना अप्लाइड, कितना अलॉटेड देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 6,000 शेयर्स हैं, 1,000 का रिजेक्ट हो गया, इनका पैसा वापस हो जाएगा बच्चों। कितना वापस होगा? 2,000, टू बैंक में लिखा होगा आपने। और उसके बाद आपने 7,000 वालों को 6,000 दे दिए, isn't it? तो 7,000 वालों ने 2 रुपए के रेट से 14,000 दिया होगा, इनको 6,000 शेयर्स मिले तो 12 देना चाहिए था, 2 एक्सेस हुआ, ये 2,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट पे 24,000 मिलना है, आपको 22 मिलेगा, सही है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 22, पूरी एंट्रीज नहीं चेक करवा रहे, कोई फायदा नहीं है, आई गया होगा सबका। पहली एंट्री देख लीजिए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 2 16,000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 16,000, कैपिटल में आएगा 12,000, 2,000 बैंक में और 2,000 अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट टू कैपिटल आ जाएगा 4 रुपए के रेट से 24,000 और बैंक में 22। फिर शेयर फर्स्ट में फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 4 रुपए के रेट से 24,000, अरियर होगा बच्चों 100 शेयर पे 400 रुपए का, ठीक 23,600 बैंक में आएगा, सही है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 43, 44 वाज आल्सो गिवन, नहीं दिया था, दिया था जहां तक मेरे को याद है। 15 लाख रुपए, 15,000 शेयर्स थे और 5,000 शेयर्स 100 रुपए वाले अलॉट किया था प्रीमियम, 25 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट और कॉल का, 1 शोल्डर फेल टू पे फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। सारी एंट्रीज की है बच्चों, चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल 5,000 × 25 25,000, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 × 30 1,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 125 और 25,000 प्रीमियम में, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हाउ मच 150, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1,50,000 बैंक, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 1,50,000, फिर अरियर में 2,500 और बैंक में 22,500। फोर फीचर चेक करिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीटेड टू कॉल इन अरियर, यहां पे 25 रुपए के रेट से अरियर में 2,500 आएगा, 7,500 फोरफीटेड में और कैपिटल में 10,000, सही है बच्चों। चलिए कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए 10 रुपए वाले 3 रुपए के प्रीमियम पे, पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट 300 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिला, चेक करिए 300 है कि 200 है, ऑल द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वॉज रिसीव, ओके। चलिए चेक करिए बच्चों, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 × 5 50,000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 50,000, फिर अलॉटमेंट में 50,000 आ जाएगा और कैपिटल में 30 और प्रीमियम में 20, कैपिटल में 20 प्रीमियम में 30, सॉरी, फिर अरियर में आएगा बच्चों 1,000 रुपए और बैंक में 49 आएगा, फिर शेयर फर्स्ट कॉल है कि फर्स्ट एंड फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल है, टू शेयर कैपिटल 5 और 5 10 3 रुपए की 30,000 रुपए, और फिर अरियर में आ जाएगा, अरियर में कितना आ जाएगा 300 शेयर्स, यानी लिखा है ऑल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300, मतलब ये 200 इसके अंदर जुड़े हैं, अलग से नहीं है, हाँ जुड़े हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, ऑल अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300, ये तो लिखा सब्सिक्वेंटली ऑन 300, तो 300 शेयर पे 3 रुपए के रेट से 900 का अरियर आएगा। फोरफीट कौन से हुए 200, कौन से 200 हैं ये, पहले वाले, बट डायरेक्टर्स फोरफीटेड, ओके नहीं चल रहे,
चेक करिए, यहां देखिए लिख गया नीचे ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल वॉज नॉट रिसीव, बट नहीं ठीक है, आई एम करेक्ट 300 के अंदर वो जुड़े हुए हैं, तो मतलब 100 अलग है और 200 वही वाले हैं। ओके तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड, टू कॉल इन अरियर। अब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया बच्चों, एज वेल एज कॉल भी नहीं दी, करेक्ट। मांगा तो हमने पूरा पैसा था, 10 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पे चल रहे हैं 2000, प्रीमियम 3 रुपए का था तो 600, 5 का सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, फोरफीट हो जाएगा 1000, यहां पे सर 1600 कैसे आया, 5 का अलॉटमेंट 3 की कॉल, कितना हो गया बच्चों 8 रुपए, तो 1600 ये आ गया 200 शेयर्स पे। समझ गए पूरी कहानी करेक्शंस की, और कोई तो होमवर्क पेंडिंग नहीं बचा है, चलिए।